फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं SBI क्रेडिट कार्ड के ऊपर। जी हां दोस्तों, अगर आप भी SBI के क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं और अगर आपने उसका पेमेंट करने से फेल कर दिया तो फिर आपके साथ क्या हो सकता है, सारी बातें करेंगे। बैंक आपके ऊपर क्या एक्शन लेगा और आपको अब क्या करना होगा, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करेंगे शुरू। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आप लोगों को मालूम होगा कि क्रेडिट कार्ड की सेवा आपको अच्छे सिविल स्कोर पे दी जाती है। जब आपका सिविल स्कोर अच्छा हो और सैलरी अकाउंट हो तो आपको आसानी से क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाता है और साथ ही में उसका लिमिट भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है, 1 से 1.5 लाख तक ज़्यादातर लोगों को मिल जाता है, जिसके हाई वाले को मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब बात करेंगे कि अगर आपको क्रेडिट लिमिट मिल गया, आपने 50,000 रुपये यूज़ कर लिया मंथ में और उसका पेमेंट कर नहीं पा रहे हैं, आप उसका बिल ड्यू जो है उसको भर नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपके साथ ये SBI बैंक वाले क्या करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले स्टेप में ये क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो दोस्तों इंटरेस्ट रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई कर देंगे और आपका लोन का अमाउंट तुरंत डबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इंटरेस्ट रेट हाई करेंगे, यानी 50,000 आपका अगर अमाउंट था तो वो कुछ समय में आपको 80,000 भी हो जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम देखने के लिए नहीं मिलेगा। साथ ही साथ नेक्स्ट स्टेप में ये एप्लीकेशन वाले या सॉरी ये बैंक वाले आपके साथ क्या करेंगे, तो आपको कॉल करेंगे, कॉल प्लस मैसेज करके परेशान करेंगे कि आप अपना जो भी ड्यू है वो भर ले। लगभग 3 महीने तक आपको कॉल भी करते हैं और साथ में मैसेज भी करते हैं और लगातार आपको बोलते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू है, उसको जल्द से जल्द पेमेंट करके पूरा कर दें। नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड स्टेप में, तो थर्ड स्टेप में ये लोग क्या करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा कि ये बैंक वाले आपका सिविल स्कोर दोस्तों डैमेज करने की कोशिश करेंगे और सिविल स्कोर ख़राब कर देंगे। या दोस्तों सिविल स्कोर ख़राब करने से फिर फ्यूचर में लोन लेने में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये बैंक वाले ज़्यादातर क्या करते हैं आप लोगों के साथ और इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा अगर आप लोग इसका बिल का ड्यू नहीं कीजिएगा। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लोग पूछते हैं वो ये पूछते हैं, क्या ये बैंक वाले कोर्ट में केस कर सकते हैं या फिर पुलिस के पास जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि ये ना तो दोस्तों पुलिस के पास जाएंगे ना ही कोर्ट में केस करेंगे आपके खिलाफ। सिंपली क्या करेंगे, तो सिंपली ये आपके खिलाफ RBI को रिपोर्ट करेंगे, आपकी रिपोर्ट RBI को दे देंगे, आपने अपना वहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों सबमिट किया होगा बैंक में और उसी डिटेल को वो RBI के पास सबमिट करेंगे कि इस नाम के आदमी ने इस अभी तक मेरा लोन जमा नहीं किया है, और RBI आपको क्या करेगा, RBI आपको डिफॉल्टर बना देगा। जी हाँ दोस्तों, आप बन जाएंगे डिफॉल्टर, यानी कि अगर आपने 6 महीने 7 महीने या 1 साल से लोन नहीं दिया है तो फिर आपका जो नाम है वो डिफॉल्टर की लिस्ट में आ जाएगा, और जब आपका नाम एक बार डिफॉल्टर की लिस्ट में आ गया तो फिर आपको कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको ये होगी फ्यूचर में कि आपको कहीं से भी किसी भी बैंक से, भले आप SBI बैंक में जाएँ, PNB बैंक में जाएँ या किसी अदर बैंक में जाएंगे तो वहाँ से आपको लोन के लिए सीधे सीधे मना कर दिया जाएगा, आपको 1 रुपया भी कहीं से भी कितने भी खराब कंडीशन में लोन नहीं मिलने वाला। तो ये सबसे बड़ा लॉस है अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने से फेल कर जाते हैं। और आप लोग अगर डरते हैं कि कोर्ट केस और पुलिस केस होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। लेकिन आपको सबसे बड़ा जो लॉस होगा वो ये होगा कि इन फ्यूचर में आपको कहीं और से लोन लेने में काफ़ी ज़्यादा समस्या होगी और कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा। तो अब आपको क्या करना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने अभी तक SBI क्रेडिट कार्ड का जो भी आपका अमाउंट है वो जमा नहीं किया है तो आप उसको EMI में करें जमा। वहाँ पे एक ऑप्शन भी होता है दोस्तों, आप अगर बैंक से जाएंगे, बैंक में जाकर वहाँ पर 2-3 महीने बाद उन लोगों को बोलेंगे कि मुझे पेमेंट अपना जमा करना है, तो वहाँ पे वो लोग आपको EMI का ऑप्शन देंगे और आप पे चार्जेस भी काफ़ी कम कर देंगे। अगर आपका ये 50,000 का 80,000 हो गया होगा तो ये आपको 60,000 ही कर देंगे और बोलेंगे कि धीरे धीरे करके आप जमा कर दीजिए, जिससे फिर इन फ्यूचर में आपको लोन लेने में थोड़ी सी आसानी भी होगी। भले सिविल स्कोर थोड़ा लो होगा लेकिन फिर बाद में उसको आप हाई भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप उसको EMI में जमा करते हैं, लेकिन जमा करना इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं करते हैं तो फिर फ्यूचर में लोन आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कोई अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आपको लोग कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। तो चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में, बहुत जल्द।